हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लिखकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि जो शिव ठाकरे हैं वो प्रियंका चौधरी को मनाने की कोशिश कर रही हैं। बात यह है कि जब रोटी को लेकर प्रियंका चौधरी एंड निमृत के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी तो उसमें जो शिव ठाकरे है वो भी कहीं ना कहीं बोलने लग गए थे, जिसकी वजह से जो प्रियंका चौधरी है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। क्योंकि प्रियंका चौधरी ये बात कह रही थी कि शिव तुम तो कैप्टन हो, तुमको तो घर वालों की सुननी चाहिए, तुमको तो खाने का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। जिसको लेकर जो शिव ठाकरे है वहां पर तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब प्रियंका चौधरी अपने रूम में होती है तब शिव ठाकरे बहाने से प्रियंका चौधरी के पास आते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं और वो अपनी बातों को क्लियर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्रियंका मुझे नहीं पता था, मुझे जो निमृत एंड अर्चना ने बताया कि तुम्हारे पास भी कोई खाना नहीं है और तुम कभी भी सब्जी नहीं देती हो, घर वालों को अगर सब्जी चाहिए तो तुम सब्जी नहीं दोगी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद उनको तुम्हें वो ज़्यादा जानते हो, तो मैंने उनकी बात मान ली। और मैं क्या करूं, मुझे तो ना जो लड़ाई है इसको टिकाना ही पड़ता है ना, तो प्रियंका मैं वहां पर तभी कुछ नहीं बोल रहा था, तो अगर तुम्हें मेरी बात पर गुस्सा आया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आई प्रॉमिस जब भी खाना बनेगा ना तो मैं तुमसे आकर स्पेशल कि तुम्हारा राशन लेकर गए हैं या नहीं। तभी प्रियंका चौधरी उनकी बातों को समझ रही है और उनकी बातों को कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि जो शिव ठाकरे की नज़रों में निमृत एंड अर्चना ने शिव को भड़काने की कोशिश कर रही है, उसको क्लियर करने की भी कोशिश कर रही है, जिसके कारण जो शिव ठाकरे है वो प्रियंका चौधरी को बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, प्रियंका चौधरी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। आई होप आपको भी कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी की नाराजगी सही लगी होगी और आपको शिव ठाकरे का मनाना कैसा लगा, तो प्लीज आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।